पॉइंट टू पर। बताइए आप कैसे हैं, सबसे पहले आप बताइए आप कैसे हैं। और सबसे पहले सर आपका भी एकदम दिल से स्वागत है। जी धन्यवाद, आप मेरा दूसरा इंटरव्यू लेने वाले हैं सर, तो आपका एकदम दिल खोल के स्वागत है, एक बार फिर से आपका स्वागत। आप इतना अच्छा कॉमेडी वीडियो डांसिंग लिप सिंग और सिंगिंग करते हैं, और अभी तक आपका दूसरा ही ब्लॉग ये दूसरा ही इंटरव्यू है। हाँ सर, हाँ दूसरा ही। आपको तो वायरल होना चाहिए, पूरा जबरदस्त वायरल। हालांकि दोस्तों ये बहुत वायरल है, अभी ये इतना वायरल है कि क्या बताएं। आप देख लीजिए वीडियो बनाने का इनका तरीका, देखिए क्या जबरदस्त है। आज इनसे सारा रात जानेंगे और यूट्यूब के बारे में भी जानेंगे कि वीडियो कैसे वायरल किया जाता है। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो रोशन यादव जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप कब से यूट्यूब पर मतलब जुड़े हैं, आपको कैसे लगा कि हमको यूट्यूब पर जाना चाहिए, क्या आपको पता है कि यूट्यूब से कुछ इनकम भी होती है। सर मैं जब यूट्यूब से जुड़ा था तो करीब लगभग 2018 ही था, जब मैंने इंटर का एग्जाम दिया था जी। तब उसके बाद 3 महीना होता है ना उसका रिजल्ट आने में, तो मुझे लगता था कि बैठे बैठे मतलब बोरिंग सा लगता था। इंटर के बाद भी पढ़ने में थोड़ा सा लगता था, अगर कहीं फेल हो जाऊं तो फिर से इंटर पढ़ना पड़ेगा जी। तो उससे अच्छा है कि रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा उसके बाद हम पढ़ाई का जो भी आगे होता है प्रोसेस वो करेंगे। तो मेरा एक भाई है अजीत भाई जी। तो उसने मतलब कि सबसे पहले बीगो पे बताया कि इस पर वीडियो बनाने से पैसा मिलता है, तो हमको मजाक लगता था ये वीडियो बनाने से। यानी आप बीगो स्टार भी हैं। हाँ मेरे ये दोस्तों ये बीगो पे भी पहले वीडियो बना चुके हैं, सोच लीजिए कि कितना दिन से मेहनत कर रहे हैं। बस दोस्तों आपसे मेरा गुजारिश है कि रोशन यादव जी को जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि भी कुछ यूट्यूब के दुनिया में नाम कमा सके। क्योंकि वायरल होने के लिए दोस्तों ये बहुत मेहनत करते हैं, हम जानते हैं, इसलिए तो इनका बहुत बड़ा हम फैन है। और आज इनसे मुलाकात हम कर रहे हैं और आप लोग को भी करवा रहे हैं, इनको आप मेरे तरफ से आपको गुजारिश है आप वायरल कीजिएगा। आप फैन नहीं बोलिए, आप हमारे बड़े भैया हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं बात है, फैन नहीं बोलिए, नहीं हम इनका फैन है, आपका कला का फैन है। ऐसे तो भाई भाई है लेकिन जो आप में क्वालिटी है उसका फैन। अच्छा तो आगे बोलिए रोशन यादव जी, हम एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं। इसको रख देते हैं सर। हाँ रख दीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर के मन में होता है कि जब आप यूट्यूब की दुनिया में आए थे, जब यूट्यूब बनाना शुरू किए थे, इस तरह का वीडियो फटे चिटे कपड़ा पर बाल इस तरह से बना के, तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपके घर वाले साथ में आपका दोस्त पार्टनर जो है गांव वाले आस पड़ोस के लोग आपके साथ कैसा रिएक्ट करता है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के बताइएगा। मेरे पास हो सकता है हम बोले तो किसी को विश्वास नहीं होता होगा, मतलब मेरे साथ सब लोग एकदम अच्छे से रिएक्ट करते हैं, मतलब सबको लगता है कि ये कुछ ना कुछ कर रहा है, अपना काम ही कर रहा है, मेरा मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं है। मेरे गाँव वाले सबसे पहले तो मेरे साथ जब कोई नहीं था तब मेरे गाँव के लोग ही मुझे सपोर्ट किए हैं और सपोर्ट करते थे और अभी भी सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ग्राम वासियों का एकदम दिल से धन्यवाद। और मेरे पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब कि हम जो करते हैं उनको बुझाता है कि बस अपना काम कर रहा है। पापा मम्मी सब घर में सपोर्ट करते हैं। हाँ, सब दोस्त यार अगल बगल सब। हाँ देख लीजिए दोस्तों, मतलब ऐसा बहुत कम होते हैं गांव वाले। एक और अच्छा, कुछ और बोलना चाहते हैं इनको बोलने देते हैं। शुरू में मतलब मेरा मजाक थोड़ा सा उड़ाया गया था, मतलब बहुत शुरू में। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैंने भीमेट के पैसे से अपाची खरीद लिया तब थोड़ा सा लोगों को लगा कि नहीं ये बंदा तो कुछ कर रहा है, मतलब अपने दम पर अपाची खरीद लिया, जो कि आजकल भी उसका डिमांड बहुत ज्यादा है और थोड़ा रेट भी हाई है। तो हम लगभग 2019 के दिसंबर में खरीदे हैं अपाची, तो उसके बाद से लोगों को लगा कि नहीं ये अपना काम कर रहा है, यूट्यूब से कुछ हो सकता है। हाँ हाँ जी, देख लीजिए दोस्तों ये भीमेट स्टार भी रह चुके हैं और उनकी कमाई से ये अपाची गाड़ी भी लिए थे, उसके बाद भीगो पर भी वीडियो बनाए, मतलब समझ लीजिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज इनको जाकर सफलता मिला है दोस्तों, इनका यूट्यूब चैनल पर लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाला। अभी कितना है रोशन जी आपका अभी सब्सक्राइबर? 1,80,000 है। या देख लीजिए दोस्तों 1,80,000 सब्सक्राइबर आज इनका है, आज कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये अपना मेहनत के बदौलत अपना कर्म के बदौलत पहुंचे हैं। तो अभी इनसे और बहुत कुछ बातें अभी जानना बाकी है, आप वीडियो पूरा बने रहिएगा और हम एक बार फिर से आपको मतलब मैं अनुरोध करूंगा कि आप इनको जरूर वायरल कीजिए दोस्तों, इनको सपोर्ट कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए, यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हैं, इनको सफलता आप लोग दिलाइए। तो रोशन यादव जी मतलब एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं। पूछिए सर। कि आपका लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है,
फिर भी आप वीडियो जो बनाते हैं इस तरह के फटे चिटे कपड़ा पर, आखिर इसका कोई तो राज जरूर होगा, आप बता सकते हैं क्या हमारे ऑडियंस को? राज तो सोचे तो अभी नहीं बताने के लिए सर, अच्छा, लेकिन फिलहाल आप पूछ रहे हैं, फिलहाल आप पूछ रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे ऑडियंस तो भगवान का रूप होता है, वो किसी को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है और बहुत जल्द। तो अब बताना ही पड़ेगा, फटे चिटे कपड़े का राज कुछ नहीं है, इसके पीछे बहुत कारण है, राज तो कुछ नहीं है। जैसे होता है ना सर, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम वीडियो अगर बनाते हैं तो उसको करीब 2 से 3 दिन पर हर दिन मतलब साफ करना पड़ेगा जी। और हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है यार दोस्तों, देख लीजिए इनके अभी शादी नहीं हुई है। यदि आपके पास कोई लड़की होगा तो आप इनको जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि अभी समझ लीजिए कि यूट्यूब की दुनिया कितना बड़ा दुनिया है। ये यूट्यूब पर वायरल है, जबरदस्त वायरल है, इनका एक्टिंग तो इतना जबरदस्त है दोस्तों कि आप भी इनका चैनल पर जाके देखिएगा। इनका चैनल का नाम है रोशन यादव जी, तो आपको समझ में आ जाएगा, हम ज्यादा बोलेंगे तो लगेगा इनका बड़ाई कर रहा है, इसलिए आप खुद इनका चैनल पर जाकर देखिएगा कि इनका क्या मतलब कॉमेडी डांसिंग और सिंगिंग का वीडियो बनता है, क्या लाजवाब जबरदस्त बनता है, वो आप खुद देख लीजिएगा और आप खुद निर्णय कीजिएगा कि हाँ रोशन यादव जी यूट्यूब के लाइक है या नहीं है। यदि है तो इनको जरूर आप लोग वायरल कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो रोशन यादव जी एक बात और सर, अच्छा कुछ बोल रहे कपड़े का पूरा बात नहीं है, बता दीजिए पहले। तो मुझे लगता है ना कि घर में बीवी नहीं है और कपड़ा मतलब कि अगर हम नए नए कपड़े पे वीडियो बनाए तो हर एक 2 से 3 दिन पर साफ करना पड़ेगा, तो उससे हम बच जाते हैं। और दूसरा बात ये है कि हमारे ऑडियंस जो मेरे भगवान के रूप है, उन सब ने मुझे इस कपड़े में पहचाना है, तो मुझे लगता है कि अपनी पहचान मतलब नहीं खोनी चाहिए और नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं अभी भी इसी कपड़े में वीडियो बनाता हूं कि मेरे फॉलोअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे भूल ना जाएं कि वही फटा चीटा कपड़ा वाला है। इससे आसानी होता है पहचानने में कि अच्छा हो फटा चीटा कपड़ा वाला का वीडियो है रोशन यादव जी, तो यही राज है जी जी जी। देख लीजिए दोस्तों इसमें कितना मतलब कॉमेडी सिंगिंग डांसिंग के साथ साथ इनमें मतलब अच्छे कर्म का गुण भी है। ये मतलब कि अपना जो परिचय जो जिससे इनका बना है वह भूलना भी नहीं चाहते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों आखिर रोशन यादव जी मतलब क्या है। तो रोशन यादव जी एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका बाल देखकर और ये फटे चिटे कपड़ा वीडियो देखकर हम आपका तो फैन बहुत बड़ा फैन है, और हमको लगता है कि जितना भी सब्सक्राइबर आपका होगा आपका बहुत बड़ा फैन होगा, बहुत आपको चाहता होगा। तो आप थोड़ा सा इसके अपने बाल के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे ऑडियंस को और साथ में अपने ऑडियंस को। तो बाल के पीछे का कारण है सर कि याद क्या हंस रहे हैं, अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए सर, कोई बात नहीं है। हमारी जीएफ को ना विश्वास नहीं होता था कि हम उससे प्यार करते हैं। अच्छा तो अच्छा। मैंने कहा ना कि तुम अपना दिल दो, और सब लोग तो सीने में बिठा के रखता है, हम तुमको सर पे बिठा के रखेंगे। जबरदस्त रोशन यादव जी इसी कारण से पूरा फेमस है यूट्यूब पे, यही कारण से, और हम भी इनका बड़ा फैन है। ये लाजवाब कॉमेडी करते हैं, एक बार इनका चैनल जरूर विजिट कीजिएगा। यदि आप पहले से किए हुए तो कोई बात नहीं, या नहीं किए तो आप इनका चैनल को विजिट कीजिए और इनका पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। आप इनका वीडियो देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाइएगा, क्योंकि इनका वीडियो हम प्रतिदिन देखते हैं दोस्तों, और इसीलिए आपको भी बोल रहे हैं रोशन यादव जी के चैनल पर जाइए और इनका वीडियो वॉच कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा रोशन यादव जी, आप यूट्यूब की दुनिया में आए तो आगे आपका क्या सोच है, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे करना है समाज सेवा, सबसे पहला मेरा एम है कि मेरे सामने, भगवान ना करे कि मेरे सामने कोई मतलब कि मददगार बने, मतलब कि जो भी दुख हो, किसी कोई भी आदमी हो मेरे सामने अगर दुखी है तो उनका मदद किसी तरह से भी करना पड़े, चाहे वो पैसा से हो चाहे वो शारीरिक मदद हो, तो हम कर सके। तो फिलहाल अभी शारीरिक मदद, मेरे सामने कोई भी दुखी रहते हैं या कुछ तरह का उनको मदद चाहिए तो हम कर लेते हैं शरीर से, लेकिन फिलहाल अभी पैसे की कमी है तो वहाँ हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन मदद करना मेरा परम कर्तव्य है। देख लीजिए दोस्तों यही गुण इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, ये बेचारा अभी यूट्यूब से भी पैसा भी नहीं कमा पा रहे होंगे। क्या रोशन यादव जी अभी आपका यूट्यूब से कुछ कमाई होता है आपका? हाँ हो रहा है, फिलहाल एक भैया मेरे हैं भागलपुर के हैं, अजीत घोष उनका नाम है, शायद वो भी देख रहे होंगे
इस इंटरव्यू को, तो उनका लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि उनके वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है वो हुआ, सब कुछ उनके वजह से मेरा चैनल का हुआ और फिलहाल कुछ डॉलर बने हैं, तो उनका मतलब कि निकासी जो होगा दिसंबर में होगा। तो मतलब अभी आपका कोई पेमेंट नहीं आया? अभी कोई पेमेंट, देख लीजिए दोस्तों, इनका अभी कोई पेमेंट नहीं आया है, लेकिन जब ये कमाने लगे हैं, जब बुलंदियों पर जाएंगे, तो ये ज्यादातर समाज सेवा करेंगे, इनके सामने कोई भी दुखित नहीं रहेगा, ये शरीर से लेकर पैसा से लेकर जितना हो सकेगा ये मदद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इनके बारे में, इनका अंदर में अच्छाई जो कूट कूट कर भरा हुआ है, साथ में मतलब कला तो है ही है और साथ में अच्छाई भी इनके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ है, इसीलिए तो इनका यहाँ पर भी दिल है और ये देख लीजिए इनका सर पे भी दिल है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, तो इनको आप वायरल कीजिए, बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। अब रौशन यादव से कुछ, अब हम रौशन यादव जी से कुछ और बातें करेंगे, इसके बाद दोस्तों फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो रौशन यादव जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि यूट्यूब की दुनिया में कोई आना चाहे तो क्या आना सही रहेगा उनके लिए? हाँ सही रहेगा, लेकिन उसमें यूनिटी होना चाहिए, मतलब अभी तक जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है वो करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, क्योंकि अगर वो साधारण कामों को लेकर यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो फिलहाल मैं कह सकता हूं कि मेरे ख्याल से सक्सेस होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें यूनिटी आ जाए कि मतलब जो कोई नहीं कर रहा, यूनिक बोलते हैं ना, यूनिक तरीके से अगर आए तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। हाँ तो देख लीजिए, रौशन यादव जी का सलाह यही है कि यदि आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो एकदम दिल से कीजिए, कुछ अलग कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में मतलब करोड़ों आदमी है, तो आप कुछ अलग कीजिएगा तो आप सक्सेस एक दिन आपको जरूर मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। सर किसी का मेहनत ना बेकार गया है ना किसी का मेहनत बेकार जाएगा, जी जी, मेहनत का फल एक दिन में नहीं मिलता है लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। देख लीजिए, मेहनत का फल एक दिन में नहीं मिलता है लेकिन एक दिन दोस्तों जरूर मिलता है, ऐसा रौशन यादव जी का कहना है और शायद मेरा भी कहना यही होगा कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप यूट्यूब की दुनिया माना चाहते हैं दोस्तों तो बेहिचक आइए, लेकिन कुछ अलग लेकर आइए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा लोग है, करोड़ों लोग है, समुद्र है। अगर कुछ अलग कीजिएगा तो एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी, ये ऐसा मेरा भी सोचना है और रौशन यादव जी का सोचना है। तो आगे हम रौशन यादव जी आपसे एक और गुजारिश करेंगे कि आप यदि मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे ऑडियंस और अपने ऑडियंस को भी कुछ बोल सकते हैं। तो दोस्तों इनके चैनल के बारे में मैं यही कहूंगा, सबसे पहले इनका परिचय आप लोग से भी करवा देता हूँ, ये मेरे गांव के लगभग 1 किलोमीटर होगा सर, लगभग 1 किलोमीटर पास के गांव के हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास आए, मेरे कला को इन्होंने समझा, तो इनका लाख लाख शुक्रिया और आप सबका भी लाख लाख शुक्रिया कि इतने समय देकर अभी तक हमको देख रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या पूछे सर? अच्छा हाँ, इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये भी हो सकता है हमको देख के या किसी को देख के, सब कोई तो किसी ना किसी को देख के ही मतलब कि जिज्ञासा लाता है, तो ये भी हो सकता है हमको देख के या किसी को देख के अपने दिल में जिज्ञासा लाए हैं और ठान लिए हैं, एक तरह से ठान लिए हैं कि हम भी YouTube पे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन्हें भी जरूर सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों सबके पीछे समय देते हैं, आज मेरे बात के लिए आपसे भीख मांगता हूं आपके समय का कि मेरे सर के चैनल को, उसके लिंक को, मतलब चैनल के लिंक को अपने स्टेटस में प्लीज लिंक कॉपी कर लीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इन्हें सब्सक्राइब कर सके, इन्हें सपोर्ट कर सके। बस रौशन यादव जी, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुआ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।